डिग्गी कल्याण जी की 59वीं लक्खी पदयात्रा आज ताड़केश्वर मंदिर से रवाना हुई। पदयात्रा को विधायक कालीचरण सराफ ने रवाना किया। लक्खी पदयात्रा के संचालक श्री जी शर्मा ने बताया कि पदयात्रा 58 साल पहले 15-20 यात्रियों से शुरू हुई थी, जो आज लक्खी यात्रा में बदल गई है। ये पदयात्रा 15 अगस्त को डिग्गी कल्याण जी पहुंचेगी। यात्रा में बड़ी संख्या में बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। कई श्रद्धालु दंडवत करते हुए रवाना हुए। रास्ते में समाज सेवियों द्वारा जगह जगह पर यात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था भी की गई है। जो धार्मिक यात्रा है ये हर बार यहाँ से ताड़केश्वर जी के मंदिर से रवाना होती है और कल्याण धणी के यहाँ पहुँचती है, और आज ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ में ये रवाना हो रही है यात्रा। मैं सभी यात्रियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और कल्याण धणी से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनकी सबकी मनोकामना पूरी करे। डिग्गीपुरी श्री कल्याण जी की लक्खी पदर परिक्रमा 24 कोस की पैदल परिक्रमा मिथि सावन सुधी छिट को हर साल रवाना होती है ताड़केश्वर जी के मंदिर से। इस पैदल परिक्रमा को सन 1964 में रामेश्वर लाल जी लोहे वाले ने पौत्र प्राप्ति के लिए शुरू की थी। शुरू में 15-20 आदमी जाते थे, आज 8 से 10 लाख आदमी जाते हैं। हर साल सावन सुधी छिट को ये यात्रा सन 58 साल से जारी है और निरंतर चालू है।